हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है मेरा फंक्शन। ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है बहुत ही डिटेल्ड, मतलब एक से कह सकते हैं कि डिटेल में बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी मेरे पाइथन के क्लास 12 के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मतलब स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई है, लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो मतलब इस एक ही वीडियो में आप पाइथन के फंक्शन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी पा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फंक्शंस होते क्या हैं, व्हाट आर फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शंस जो होते हैं ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं फंक्शंस आर सब प्रोग्राम, यानी फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, सब प्रोग्राम्स का मतलब होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि किसी प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी किसी एक बड़े से प्रोग्राम का ये पार्ट होता है दैट जो कैरीज आउट, जो करता है, क्या करता है, तो एक वेल डिफाइंड टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। मतलब किसी वेल डिफाइंड टास्क को अगर परफॉर्म करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। तो दैट कैरीज आउट सम वेल डिफाइंड टास्क, राइट। अब देखिए इसके बारे में इतना समझिए कि फंक्शन जो होता है वो हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या, सब प्रोग्राम्स। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कैरीज आउट, जो करता है सम वेल डिफाइंड टास्क, यानी जिस काम के लिए हम इसको बनाते हैं ये उस काम को क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। अब आइए, फंक्शन जो होता है वो बेसिकली ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें तो फंक्शन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो फंक्शंस आर कैटेगराइज, यानी कि उनको कैटेगराइज किया गया है इंटू टू पार्ट्स, टू मेजर पार्ट्स, इंटू अब टू के बदले फॉलोइंग कर लीजिए, कभी कोई टू बोलता है कभी कोई थ्री बोलता है, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना बोले कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बिल्ट इन फंक्शंस, दोज आर कॉल्ड व्हाट, बिल्ट इन फंक्शंस, राइट, या इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, यानी कि दीज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, These are predefined functions. ये predefined functions होते हैं, नाम ही है देखिए, built-in functions, ठीक है, या library functions. तो these are predefined functions. यानी ये जो होते हैं क्या होते हैं, predefined functions होते हैं, having some specific work. यानी कि इनके पास क्या होता है, कुछ खास काम होता है टू परफॉर्म करने के लिए। हम अभी तक बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, लेकिन भले ही हम उसको नाम से नहीं जानते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप क्या करते हो, आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हो, है ना, तो प्रिंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करने का काम करता है। तो ये कैसे प्रिंट करता है, क्या आप इसकी कोडिंग लिखते हो, क्या आपने इसकी कोडिंग लिखी है कि ये प्रिंटिंग को कैसे परफॉर्म करता है, नहीं आपने नहीं लिखी है, आप सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ आप यूज कर लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रिंट फंक्शन है वो प्रिंट करता है लेकिन कैसे प्रिंट करता है ये पता नहीं। वैसे ही जो इनपुट फंक्शन है वो यूजर से इनपुट लेता है, कैसे लेता है आपको पता नहीं, लेकिन आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से डिफाइंड है, बस अगर आपको इसे यूज करना होता है तो क्या करना होता है, बस सिर्फ आपको जो है, बस सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिख लीजिए, सिर्फ इनपुट लिख लीजिए। तो कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो खुद ब खुद आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड मॉड्यूल को आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे एक फंक्शन है हमारे पास रैंडम फंक्शन, राइट, जो रैंडम नंबर को जनरेट करता है, और एक ऐसा ही हमारे पास फंक्शन है दैट इज रैंड इंट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन जो है रैंडम इंटीजर जनरेट करता है, ये रैंडम वैल्यू जनरेट करता है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में, ये इंक्लूसिव होता है लेकिन ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब 0.0 शामिल है लेकिन 1.0 शामिल नहीं है, मतलब 0.9999 तक की वैल्यू जो है क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0.0 से होके। तो
तो ये डेसिमल वैल्यूज देता है, रैंडम फंक्शन डेसिमल वैल्यूज देता है, जबकि रैंड इंट जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज देता है, कि कहां से ले कहां तक, तो जो भी अपर वैल्यू से लेके, सॉरी नॉट अपर एग्जैक्टली, जो भी लोअर रेंज से लेके अपर रेंज की आप वैल्यू देंगे वहां तक, तो लोअर से लेके अपर तक की जो भी आप वैल्यू कहेंगे वो आपको क्या करेगा, उनमें से कोई एक वैल्यू रैंडमली निकाल के दे देगा। जैसे आप कहते हैं 10 से 20 के बीच में कोई रैंडम नंबर दो, तो इसमें क्या होता है 10 भी इंक्लूडेड होता है और 20 भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन चाहे आपको इस रैंडम फंक्शन को यूज करना हो, चाहे आपको इस रैंड इंट फंक्शन को यूज करना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है एक मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल का नाम क्या है, रैंडम मॉड्यूल ही है, यानी रैंडम भी मॉड्यूल का ही क्या है, नाम है। तो मतलब कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो आप डायरेक्टली यूज करते हो अपने प्रोग्राम में, जैसे आपको एग्जांपल में मैंने प्रिंट फंक्शन दे दिया, इनपुट फंक्शन दे दिया, जबकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको जब यूज करने से पहले, जिनको यूज करने से पहले आप उनके मॉड्यूल को क्या करते हो, जैसे रैंडम मॉड्यूल, इस रैंडम मॉड्यूल को जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे, ना ही आप रैंडम फंक्शन को यूज कर पाओगे, ना ही आप रैंड इंट फंक्शन को क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। तो ये है आपका इसके बारे में, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। हमें जो पढ़ना है वो दूसरा वाला पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि हम जो दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं वो कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि ये वो फंक्शंस होते हैं जो कौन डिफाइन करता है, यूजर, यानी हम डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन करेंगे का मतलब क्या हुआ, हम डिफाइन करेंगे का मतलब ये हुआ कि ये वो फंक्शंस होंगे जिन्हें हम अपने लिए बनाएंगे, अपने काम को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं यूजर डिफाइन फंक्शंस को। तो अभी तक हमने जो है वो देख लिया कि बिल्ट इन फंक्शन यानी लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, और अब जो हम सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यानी कि अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन रिटन, यानी कि जो लिखा जाता है, फंक्शन रिटन बाय द यूजर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी खास काम के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, राइट, इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन, नाम ही है यूजर डिफाइन, मतलब जो यूजर डिफाइन करता है, जो फंक्शन यूजर क्या करता है, डिफाइन करता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भैया हाउ टू डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन, यानी कि अगर हम मुझे कोई फंक्शन बनाना है पाइथन में यूजर डिफाइन फंक्शन, तो वो फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, क्या हमारा प्रोसेस होगा। तो समझिए ध्यान से क्या होता है, फंक्शन जब भी आप बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन में हमेशा दो चीज आप देंगे। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि फंक्शन क्या करेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन का डेफिनेशन या फंक्शन का बॉडी, ठीक है। ये पहली चीज होती है कि कोई भी फंक्शन क्या करेगा ये आप बताएंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन की बॉडी। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। फंक्शन कॉल क्या होता है, देखिए आप कोई भी फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, उसके अंदर जो कुछ भी, जितना भी आप कोड लिख दें, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक कि आप उसको क्या करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। कॉल करने का मतलब होता है आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आपने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंक्शन को क्या करना होता है, कॉल करना होता है, राइट। तो अगर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए फंक्शन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट अ फंक्शन, यानी बहुत सारे वेज हैं टू क्रिएट अ फंक्शन, क्या करने के लिए, एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। अब कौन कौन से तरीके हैं, हमें इन सारे तरीके को मास्टर करना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको एक दो तरीका भी आता है तो चल जाएगा, लेकिन मुझे जो है आपको सारा तरीका क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला तरीका होता है वो होता है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, यानी कि आप नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न से बनाएंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी नहीं देंगे रिटर्न भी नहीं लेंगे, सॉरी नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है सर आपने बोल तो दिया कि नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न, ये होता क्या है बताऊंगा। देखिए दो चीजें होती है फंक्शन में, एक होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, argument, और एक होता है क्या, रिटर्न। ये क्या होता है अभी के लिए समझ जाइए, आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू है जो हम किसी फंक्शन को सप्लाई करते हैं, यानी कि हम सप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन यहां लिखूं तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू, ये वो वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट इज द
वैल्यू विच इज सप्लाइड, यानी जो क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, विच इज गिवन या सप्लाइड, ठीक है, टू द फंक्शन, किसको, फंक्शन को सप्लाई कर, मतलब हम जो वैल्यू देते हैं यूजर, मतलब प्रोग्राम में हम जो भी वैल्यू फंक्शन को देंगे, जो भी वैल्यू हम फंक्शन को देंगे, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। दूसरा क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, तो जो वैल्यू हमने दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जो वैल्यू एक फंक्शन हमें लौटाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि रिटर्न इज द वैल्यू, यानी रिटर्न वो वैल्यू है, रिटर्न इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन, जो क्या करता है, एक फंक्शन जो है वो क्या करता है, रिटर्न्स टू इट्स कॉलिंग प्लेस, यानी कि जहां से इसको कॉल किया गया था वहां पे क्या करता है, रिटर्न करता है, यानी कि रिटर्न खुद ही, देखिए रिटर्न का मतलब क्या हुआ, वापस, रिटर्न का मतलब वापस, जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, तो यहाँ पे वही चीज है कि आप जब पार्टी में जाते हैं, खुद से देखिए, जब आप पार्टी में जाते हैं और उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, जब भी पार्टी थी उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जब आप लौटते हैं तो आपको वो कुछ गिफ्ट देता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या, रिटर्न। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी फंक्शन को कोई वैल्यू देंगे तो वो कहलाएगा आर्ग्यूमेंट, और जब कोई फंक्शन आपको आपको कोई वैल्यू देगा, आपको का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं प्रोग्राम के जरिए क्लियर करूंगा, फिलहाल अभी के लिए डेफिनेशन दोनों समझ जाइए। दूसरा, तो पहला तरीका जो अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हमारा तरीका होता है नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न से। दूसरा जो हम बनाएंगे, देखिए आर्ग्यूमेंट और रिटर्न दो चीजें हैं, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो चार कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, फिर यहाँ क्या होगा, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे लेकिन रिटर्न लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्या तरीका होगा, विद आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट देंगे, है ना, नो रिटर्न लेकिन रिटर्न नहीं लेंगे, और चौथा जो हमारा तरीका होगा वो होगा क्या, विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट भी देंगे विद रिटर्न, यानी कि हम रिटर्न भी लेंगे। तो इन चार तरीके से कोई सा भी प्रोग्राम आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फंक्शन का। अब मैं एक नॉर्मल सब छोटा सा एग्जांपल लूंगा प्रोग्राम का, जैसे एडिशन का ही प्रोग्राम, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, और कैसे उस सेम प्रोग्राम को हम इन सारे चारों तरीके से बनाएंगे, आपको जब बता दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम करने वाले हैं एडिशन का प्रोग्राम, यानी कि दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम को जो है addition, चलिए मुझे इसको मिटा देने दीजिए, एडिशन, addition, एडिशन का प्रोग्राम चारों तरीके से करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं, बेसिक ये है कि आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसके लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, def, और उसके बाद आप देते हैं फंक्शन का नाम, एक तरह से कह सकते हैं ये सिंटैक्स हो गया कि कैसे कोई फंक्शन बनाया जाता है, तो डेफ, और फिर क्या हो गया, फंक्शन का नाम जो भी आप देंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहां पे आप देंगे क्या, कोलोन का साइन। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कोलोन का साइन का मतलब क्या हुआ, कि अब जो आप लिखने वाले हैं वो इस फंक्शन का पार्ट है, तो थोड़ा सा इंडेंटेशन के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो अपने आप जब आप प्रोग्राम टाइप करेंगे एंटर करेंगे या कोलोन टाइप करके एंटर करेंगे तो अपने आप थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है। तो मतलब ये चार लाइन जो है इस फंक्शन का पार्ट है। अब अगर आपका मान लीजिए सबसे शुरू से स्टार्टिंग से आपने यहीं से प्रोग्राम लिखना शुरू किया, यही लाइन से, ठीक है, तो आप अभी तक क्या जानते हैं कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन जो है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप उसे कॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फंक्शन की कॉलिंग, यानी आपने फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। तो मतलब क्या है कि आपका ये पूरा का पूरा कोड जो फंक्शन के अंदर आपने लिखा है, भले ही ये आपके प्रोग्राम का सबसे टॉप मोस्ट कोड है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने वाला होगा वो होगा ये स्टेटमेंट, जो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आएगा आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, देखेगा ये फंक्शन है नहीं, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कॉल नहीं होता है, सारा खत्म। यहाँ पे आएगा फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ये जाएगा कहाँ पे, अपने डेफिनेशन पे, और अब इसके अंदर के स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके फिर से वापस वहीं आता है। याद रखिएगा, कोई फंक्शन जैसे ही कॉल होता है अपने डेफिनेशन पे जाता है,
उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके वापस वही लौट के आता है जहां से उसको कॉल किया गया था। और अगर इसके बाद अगर आपने और कुछ भी स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई सेकंड स्टेटमेंट था, ये होगा एग्जीक्यूट, ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऐसे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो ये है बेसिक्स अगर आपको कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करना है, बनाना है। तो अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, इफ आई वांट टू मेक द एडिशन प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। तो मान लीजिए हम डेफ लिखते हैं और यहां करते हैं एड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक फंक्शन लिखने जा रहा हूं, फंक्शन का नाम क्या है, एड है, और उसी के अंदर अब मैं सब कुछ लिखूंगा। मतलब अब मुझे इसके इंडेंटेशन में सब कुछ लिखना होगा। जो पहला तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं वो है कौन सा तरीका, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, पहले मैं तरीका लिख देता हूं। वो वही जो हम करने वाले हैं वो है नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, और नो रिटर्न। ये सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी फंक्शन को बनाने का, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। कैसे, तो बस डेफ से आप फंक्शन को स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए फंक्शन का नाम मेरा एड है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहां दे दीजिए कोलन का साइन। अब मतलब आप एक एड नाम से फंक्शन बना रहे हैं, डेफ इज अ कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, एड है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये डिपिक्ट करता है, बताता है कि एड एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन वेरिएबल है, ठीक है। अब आइए इसके अंदर, तो जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न से बनाते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, जैसे ही कोई भी प्रोग्राम आप नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न से बनाते हैं, वैसे ही सारा का सारा प्रोग्राम, जो भी सब्जेक्ट था, जैसे एड था, एड का सारा प्रोग्राम, अगर प्राइम नंबर का प्रोग्राम था, प्राइम नंबर का सारा प्रोग्राम, अगर रिवर्स का प्रोग्राम था, रिवर्स का सारा प्रोग्राम, आप सारा प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे a इक्वल टू क्या, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, अगर मैं इसको हटा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इंट इनपुट और क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, दो नंबर मांगेंगे ना जी हम, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। उसके बाद मैं सिम b मांगूंगा, b इक्वल टू व्हाट, इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, तो दो नंबर हमने मांग लिया, फर्स्ट नंबर हो गया और क्या हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा, और यहां मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, एडिशन इक्वल टू सी। बताइए तो कोई भी फर्क है, अगर आपको एडिशन का प्रोग्राम ऑब्वियसली आना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर अगर आपको एडिशन प्रोग्राम नहीं आता है तो फिर मतलब दुनिया में कोई प्रोग्राम नहीं आता है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया बस यहाँ पर डाल दिया, डेफ और एड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और कोलोन साइन, बाकी ये प्रोग्राम बिल्कुल एडिशन का प्रोग्राम था। तो जब हम किसी भी फंक्शन को, किसी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू बनाते हैं और कॉन्सेप्ट रखते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न का, कुछ नहीं करते हैं, डेफ फंक्शन का नाम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और सारे स्टेटमेंट्स को जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड थे उनको हम अंदर लिख देते हैं, उस फंक्शन का बॉडी बना देते हैं। तो ये चारों लाइन्स जो है इस फंक्शन के पार्ट हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, अगर आप इतना ही लिख के प्रोग्राम को रन कीजिए तो देखिएगा कोई आउटपुट नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, रन भी हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक आप उन्हें क्या करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मुझे इंडेंटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल इसी के इंडेंटेशन में फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एड फंक्शन क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन होगा, दिस विल बी द फर्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन जो होता है वो फंक्शन का जो होता है पार्ट, जो डेफिनेशन होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसलिए दिस विल बी द फर्स्ट लाइन। अब क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ सीधे अपने डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ए की वैल्यू यूजर से पूछेगा, बी की वैल्यू यूजर से पूछेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देगा, और एडिशन इक्वल टू सी की वैल्यू को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज मेड यूजिंग फंक्शन, और कौन सा तरीका है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, दिस इज द फर्स्ट वे हमने बना लिया, बस यही है हमारा। तो क्या होगा, यहां से ये गया ऊपर, ठीक है, लाइन नंबर वन ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी करके एडिशन प्रिंट कर दिया। अब ये चूंकि लास्ट लाइन था, तो जैसे ही ये लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर से लौट के ये वही आएगा जहां से इसको कॉल किया गया था। इसके बाद कोई स्टेटमेंट है क्या, नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, प्रिंट प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या होगा,
यहां से ये पहला लाइन था जो एग्जीक्यूट हुआ, एड फंक्शन कॉल हुआ, ऊपर गया, ए पूछेगा, बी पूछेगा, सी में ए प्लस बी को डाल के और एडिशन इक्वल टू सी प्रिंट कर देगा, वापस लौट के यहीं आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सेकंड लाइन जो एग्जीक्यूट होगा, क्या मैसेज डाल देगा लास्ट में, प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद और कोई लाइन है नहीं है तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन अगर आप नो आर्गुमेंट नो रिटर्न से बनाते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, सारे के सारे इस प्रोग्राम को डेफ और कोई एक फंक्शन के नाम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और कोलन साइन के अंदर लिख देते हैं, फिर उससे बाहर निकल के, उस डेफिनेशन से बाहर निकल के आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने बताया था फंक्शन में दो चीजें होती हैं, फर्स्ट चीज होती है वो फंक्शन का डेफिनेशन होता है और सेकेंड चीज होती है वो फंक्शन की कॉलिंग होती है। चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकेंड वे पे। हमारा सेकेंड क्या वे है, विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम आर्ग्यूमेंट देंगे, क्या करेंगे हम विद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट देंगे नो रिटर्न, लेकिन हम कोई रिटर्न नहीं ले लेंगे। तो ये मेरा सेकेंड वे है किसी फंक्शन को बनाने का। तो अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वैल्यू होती है जो हम फंक्शन को सप्लाई करते हैं, यानी जो हम वो वैल्यू जो हम फंक्शन को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से लिख देता हूँ वही डेफिनेशन कि आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है दैट वी पास टू द फंक्शन, जो हम क्या करते हैं दैट वी पास टू द फंक्शन, यानी कि जो हम क्या करते हैं फंक्शन को पास करते हैं। ये तो बोलने के लिए हो गया राइट, कि जो हम पास फंक्शन को पास करते हैं। समझने के लिए क्या होगा, देखिए ये जैसे कोई डेफिनेशन पूछे आर्ग्यूमेंट का तो आप ये डेफिनेशन देंगे, जबकि समझने के लिए ये क्या है कि द इनपुट, जो भी हम इनपुट लेते हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इनपुट जरूर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो हम इनपुट ले रहे हैं, जैसे इस प्रोग्राम में एडिशन प्रोग्राम में हम ए की इनपुट लेते हैं और बी की इनपुट लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इनपुट होता है जो हम यूजर से लेते हैं। ये किसी को बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए है अभी के लिए, जब आप एक बिगिनर हैं कि हम आर्ग्यूमेंट में क्या डालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के बेस पे बनाना है तो हम आर्ग्यूमेंट में क्या डाल देंगे, तो जो भी यूजर से हमने इनपुट लिया था वो हम एज एन आर्ग्यूमेंट डाल देंगे। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही डेफ, ठीक है, फंक्शन का नाम मान लीजिए एड, और ये जो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के अंदर कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, मतलब वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, वॉइड का मतलब क्या होता है नथिंग, मतलब कुछ नहीं है इसमें, राइट। अब मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, तो देखिए आर्ग्यूमेंट जब दूंगा तो मेरा एडिशन का प्रोग्राम है, तो ऑब्वियस ही बात है ए और बी, यही तो वो दो वैल्यू है ना, जो दो वैल्यू मैं यूजर से लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ए और एक बी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। मतलब इसी ए और इसी बी पे हमें काम करना है, यही ए और यही बी का इनपुट हम यूजर से लेते हैं, इसीलिए जब हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होगा तो हम यही ए और यही बी लेंगे। अगर मान लीजिए मुझे प्रोग्राम लिखना था चेक करने के लिए कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, तो उसमें क्या आर्ग्यूमेंट होता, तो वो नंबर जो हम यूजर से इनपुट लेते चेक करने के लिए कि वो ऑड है या इवन है। अगर मान लीजिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मुझे चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, प्राइम है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सिर्फ ए होता, ये ब्रैकेट बंद हो जाता, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होगी इनपुट में, यूजर से क्या लूंगा, मैं सिर्फ वो वैल्यू यूजर से इनपुट लूंगा जो वैल्यू के लिए मुझे चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या प्राइम है या नहीं है। तो इसीलिए प्रोग्राम के बेस पे जो है वो डिफाइन होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब आइए, डेफ एड ए और बी लिखा मैंने, अब जब मेरे पास ए और बी ऑलरेडी आ रहा है, तो जब मेरे पास ए और बी ऑलरेडी आ रहा है तो मेरा तो यही दोनों सिर्फ काम बचा ना, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना और रिजल्ट को प्रिंट कर देना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, C इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां प्रिंट कर दूंगा क्या, एडिशन इक्वल टू क्या, कॉमा C। तो ये हो गया मेरा फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान समझिएगा कि जब आप ऐड फंक्शन कॉल करोगे, जो कि हम कॉल करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई एक फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप उससे कॉल नहीं करते हो, तो यहां पे क्या होगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ऐड फंक्शन को, तो सिर्फ इस तरीके से कॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर ये एरर देगा, क्या बोलेगा कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप दो वैल्यूज पास करेंगे लेकिन आप कोई दो वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने मन से कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं तो यहां 5.6 डाल दीजिए, तो होगा क्या, ये 5 जो है वो ए के पास जाएगा, ठीक है, ये 5 कहां चला जाएगा, ए के पास, तो ये जो ए है वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 5 से, और ये 6 जो है वो कहां जाएगा, बी के पास, तो बी जो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 6 से,
अब 5 और 6 आ गया, सी में ए प्लस बी चला जाएगा, यानी कि 5 और 6 11, और क्या होगा एडिशन 11 प्रिंट हो जाएगा, परफेक्ट। अब आप कह सकते हैं कि सर यहां तो आपने वैल्यू अपने मर्जी से पास कर दिया, तो अगर आप अपने इस वैल्यू को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि यूजर से पूछ के पास करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब आपका फंक्शन की बॉडी खत्म हो जाती है तो जो पार्ट शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरस्कोर मेन पार्ट, और यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। जैसे यहाँ पे जैसे ये डेफिनेशन खत्म हुआ, यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट शुरू हो गया, अंडरस्कोर मेन। अब मैं जो है वो हैश साइन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हैश का मतलब होता है ये कमेंट लाइन है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो इसी अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर क्या होता है, शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, जब मुझे देखिए जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा मुझे 2 नंबर को पास करना है, तो या तो मैं डायरेक्टली कॉल कर लूं जैसे मैंने अभी किया कि ऐड को और 10.20 पास कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा 10 चला जाएगा ए में, 20 चला जाएगा बी में, सी इक्वल टू 10+20=30 हो जाएगा और एडिशन इक्वल टू 30 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यूजर से लेना है तो यूजर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा, ए इक्वल टू इंट एंड देन इन ब्रैकेट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से पूछा कि भैया मुझे फर्स्ट नंबर दीजिए, जो भी उन्होंने फर्स्ट नंबर दिया उसको मैंने ए में डाल लिया। अब b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, यानी कि क्या कीजिए सेकेंड नंबर डालिए, और जो भी यूजर ने सेकेंड नंबर दिया उसको मैंने b में डाल दिया। तो मेरे पास अब दोनों नंबर आ गए, ए भी आ गया और क्या आ गया बी भी आ गया। अब इस ए और बी को मैं जब ये एड फंक्शन कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, पास कर दूंगा। तो एड फंक्शन कॉल करता हूं, ए और बी को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो ये वाले ए में जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, यही पहली लाइन होगी ना जो एग्जीक्यूट होगी, तो जो सब हो सकता है यूजर ए में जो है क्या दे दे 12 दे दे और बी में क्या दे दे 8 दे दे। तो जो भी ये ए की वैल्यू थी, जो भी इस बी में वैल्यू थी वो इस ए को सप्लाई हो जाएगी, जो भी इस बी में वैल्यू थी वो इस बी को सप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा ये ए और बी अलग बनेंगे और ये ए और बी अलग बनेगा, दोनों एक ही नहीं वैल्यू होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगर ये कह दूं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे x और y मान लूं, क्या मान लूं x और y, तो यहाँ पे जो वैल्यू यूजर देगा वो x और y में चला गया। अब यहां से मैं क्या पास कर दूंगा, x और y पास कर दूंगा, तो यहां से जो भी x में था वो a में चला जाएगा, जो भी y में था वो b में चला जाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो भी x की वैल्यू थी 12 वो a को पास हो जाएगी, तो a में यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो देखिए, तो यहाँ पे x और y था, यहाँ पे a और b था, इसीलिए मैंने बताया कि अगर आप सेम नेम से भी यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हो तो यहाँ का वेरिएबल अलग होगा, वहां का वेरिएबल अलग होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू पास किया तो यहाँ से 12 पास किया, 12 a में चला गया। यहाँ से y को पास किया, y में 8 था तो 8 जो है वो b में चला गया। अब क्या होगा, c इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, 12 + 8 = 20, और प्रिंट कर देगा एडिशन इक्वल टू c, यानी कि 20 को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया, किसके जरिए, जब आप देखिए हुआ क्या, फर्स्ट लाइन x में वैल्यू लिया, सेकेंड लाइन y में वैल्यू लिया, थर्ड लाइन कॉल हुआ डेफिनेशन के पास किया, यहां से x की वैल्यू a में चली गई, y की वैल्यू b में चली गई। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा c इक्वल टू a प्लस b, जो कैलकुलेट हो गया कितना 20, और फिर यहाँ क्या प्रिंट हो गया एडिशन इक्वल टू c, यानी कि एडिशन इक्वल टू 20 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद मैंने बताया कोई भी फंक्शन जहां से कॉल किया गया था वहीं आएगा, तो यहीं वापस आएगा, आगे देखेगा कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम टर्मिनेट, तब तक हम एडिशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि विद आर्गुमेंट नो रिटर्न से आप कैसे बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, तीसरा क्या था हमारा जो तरीका था, जो हमारा थर्ड वे था वो था नो आर्गुमेंट विद रिटर्न, यानी हम आर्गुमेंट नहीं देंगे लेकिन रिटर्न हमें चाहिए। व्हाट वाज द थर्ड वे, तो थर्ड वे जो था वो हमारा था नो आर्गुमेंट, मतलब हम आर्गुमेंट नहीं देंगे, ठीक है, विद रिटर्न, लेकिन रिटर्न हमें चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये पता करना होगा कि रिटर्न क्या होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको रिटर्न का डेफिनेशन बताया, जो ये बताया कि रिटर्न वो वैल्यू होती है जो वैल्यू जो है वो फंक्शन भेज, मतलब रिटर्न करता है किसको किसको, तो जहां से फंक्शन कॉल किया गया था उसको, यानी कि एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको रिटर्न कहते हैं। एक चीज याद देखिए, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे जब आप x और y जब पास करते हैं तो यहाँ पे x और y जो है वो आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम के लिए आर्गुमेंट जो है वो x और y है, और यही x y जो है जब ऊपर पहुंच जाते हैं और दूसरे वैल्यू में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ये a और b है,
ये ए और बी जो है वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। तो कभी कभी होता है कि कोई पूछ देता है कि आर्ग्यूमेंट में और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है जब हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं और उस वक्त जो वैल्यूज को हम पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, जबकि वही वैल्यू जो फंक्शन के डेफिनेशन में आती है तो यहाँ पे उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ये एक टर्म था, मेरे को याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए रिटर्न का, मैंने बता दिया आपको रिटर्न वो वैल्यू है जो एक फंक्शन रिटर्न करे। जैसे यहाँ पे तो वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। तो डेफिनेशन जब हम लिखेंगे, लिखने वाला डेफिनेशन जो होगा वो यही होगा कि रिटर्न वो वैल्यू होती है जो एक फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है मेन वाले सेक्शन में। इसमें मेन वाले सेक्शन में यानी कॉलिंग सेक्शन, जहां से कॉलिंग हो रहा है वहां पे। अब समझने के लिए, तो समझने के लिए ये है कि रिटर्न जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट को समझना है तो बस आप इतना जान लो कि जो यूजर से इनपुट ले रहे हो आप, जैसे दो नंबर को जोड़ने में ए और बी को ले रहे हो, तो जो इनपुट लिया है वही आर्ग्यूमेंट हो जाता है। रिटर्न में क्या होता है, जो मेरा फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जो मेरा क्या होता है, फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू जो होता है वही फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, रिटर्न कहलाता है। फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड रिटर्न। तो खुद देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं कि ठीक है आप बताओ यहां क्या रिटर्न होगा, तो मेरा फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू किसमें है, सी में है। तो मैं अब इसको यहां प्रिंट नहीं करूंगा, मैं फाइनल आंसर को रिटर्न कर दूंगा। जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो रिटर्न होगा और वो रिटर्न वही चीज रिटर्न होके यहां पे आएगा। उसके बाद कैसे करेंगे तो अभी मैं बताता हूं आपको। फिलहाल यहां पे बस इतना जान लीजिए जो फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू है उसी को हम लोग रिटर्न कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए डेफ, ठीक है, एड ए और बी, यहां तो कुछ नहीं आ रहा ना क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट तो आ ही नहीं रहा। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो जब यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं आ रहा तो मतलब वो वैल्यू ही नहीं आ रही जिसपे हमें काम करना है, तो हमें वो वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर को जो है वो क्या कीजिए, इनपुट कीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों आ गए, अब हम क्या करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। क्या करेंगे हम, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो मेरा फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, सी है ना, तो मैं इस सी को यहां से बस रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्या, सी, दैट्स इट। तो आपने रिटर्न कर दिया। अब देखिए आप अभी तक यही जानते थे कि ये फंक्शन है, राइट, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कॉल नहीं करते। तो यहां पे आप क्या करते हैं, सिंपली आप एड फंक्शन को कॉल कर देते थे और सेम इंडेंटेशन रखते थे ना, बिल्कुल इसी लाइन में आप करते थे, एड फंक्शन को कॉल कर देते थे, ठीक है। तो चलिए अभी भी अगर हम एड फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये यहां से सीधे अपने डेफिनेशन में जाएगा, ए की वैल्यू एंट्री लेगा, बी की वैल्यू एंट्री लेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी करके सी को रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू रिटर्न होता है वो वहीं आता है जहां से उसको कॉल किया गया था। यहां पे आया, यहां से जो सी आ रहा था वो फाइनल आंसर था, तो मान लीजिए मैंने यहां पे एक्स में इसको स्टोर कर लिया, तो मतलब क्या हुआ कि जो आप यहां से रिटर्न करते हैं आपको कॉलिंग के समय आपको उसको वहां पे क्या करना पड़ता है, स्टोर भी करना पड़ता है। तो मैंने उसको एक्स में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और अब एक्स में मेरा फाइनल आंसर है वो तो प्रिंट हुआ नहीं था क्योंकि यहां से हम उसको रिटर्न कर चुके थे। तो हम यहां क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एडिशन इक्वल टू किसकी वैल्यू, तो एडिशन इक्वल टू विच वैल्यू कॉमा सी। तो अब नॉट सी एग्जैक्टली, सी नहीं, यहां पर देखिए यहां से आपने सी जो रिटर्न किया था वो जो है वो यहां पे जब आया तो जो स्टोर हुआ है वो किसमें स्टोर हुआ है, एक्स में स्टोर हुआ है। तो यहां पे हम जो प्रिंट करेंगे एडिशन इक्वल टू किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने कोई आर्गुमेंट नहीं लिया तो चूंकि यहां कोई वैल्यू आ ही नहीं रहा था तो हमें ए और बी की वैल्यू लेनी पड़ी, रिजल्ट कैलकुलेट किया और वैल्यू यहां से क्या रिटर्न किया, तो रिटर्न हम वो वैल्यू कहते हैं जो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो जैसे ही ये कॉलिंग हुआ, देखिए एड फंक्शन कॉल हुआ, ऊपर गया ए बी की इनपुट लेके सी को निकाला और सी को रिटर्न कर दिया, वापस ये वहीं आया, यहां से चला गया एक्स में, जो भी वैल्यू सी की थी वो एक्स में चली गई और चूंकि यही मेरा एडिशन था मैंने अगली लाइन में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा पहला लाइन होगा जो एग्जीक्यूट होगा, ये मेरा दूसरा लाइन होगा जो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये ऑब्वियसली बात है, पहली लाइन के बाद ये अपने डेफिनेशन में जाके इसके अंदर की चीजों को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, यानी कि आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया लेकिन रिटर्न लिया। व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न जो होता है वो फाइनल हमारा जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटर्न, राइट। अब आइए, अब आते हैं
लास्ट कॉन्सेप्ट विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। अभी तक जो भी पढ़ाया, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं और रिटर्न भी कैसे लेते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, तो इन दोनों को क्लब कर दीजिए तो बन जाता है विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। तो कैसे करेंगे यहां पे देखिए, आप सबसे पहले डेफ लीजिए, एक फंक्शन लिखते हैं एड, आर्ग्यूमेंट चाहिए तो हाँ भैया चाहिए क्योंकि विद आर्ग्यूमेंट है, तो ए और बी, तो मतलब जिस ए और बी को हमें ऐड करना है वो आ ही रहा है, तो बस हम यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देंगे। लेकिन अब हम इस सी को प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न भी करना है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, सी को रिटर्न कर देंगे। ये मेरा आ गया फंक्शन। अब आते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन पे, तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन जो सेक्शन है वो कैसे अपना काम एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे मुझे देखिए आर्ग्यूमेंट पास करना है ना ए और बी, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ए और बी को इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आप वेरिएबल का नाम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो लेकिन मैं सेम नहीं लेता हूँ, ए इक्वल टू व्हाट, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि पहला नंबर जो है वो इनपुट कीजिए, फिर वैसे ही बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो इनपुट कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एड फंक्शन को कॉल करूंगा, कर दिया एड फंक्शन कॉल, क्या पास कर दिया, ए और बी को पास कर दिया, तो जैसे ही ये फंक्शन मैंने कॉल किया, ये अपने कहां जाएगा डेफिनेशन पे, इस ए में जो भी वैल्यू थी वो यहां शिफ्ट हो जाएगी, इस बी में वैल्यू थी जो इस बी में चली जाएगी, अब ये वाला ए और बी जो है यहां पे ऐड होके सी में चला जाएगा और सी रिटर्न हो रहा है, तो कोई भी चीज जो रिटर्न होता है वो वहीं आता है जहां से उसको कॉल किया गया था, यहां पे आया, इसको मैंने मान लीजिए एक्स में डाल दिया, जरूरी नहीं एक्स में डालिएगा, आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, अब x में मेरा फाइनल आंसर है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, मुझे पता है x में एडिशन है, तो मैं यहाँ मैसेज डाल दूंगा एडिशन इक्वल टू व्हाट कॉमा x। तो ये है आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप चाहें तो किसी एक प्रोग्राम को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, ये चारों तरीके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी तरीके से पूछ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ठीक है, यानी कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा जो आर्ग्यूमेंट आप देंगे लेकिन रिटर्न नहीं लेंगे, ताकि आप कैलकुलेट करके सारी चीजों को वहीं पे क्या कर सके, प्रिंट कर सके। ये ही आपको बुक में भी बहुत ज्यादा इसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स मिलेंगे, राइट। तो ये था आपको कॉन्सेप्ट। अब इसमें कितने भी तरह के प्रोग्राम अगर आप चाहिए तो बना सकते हैं, प्रैक्टिस जितने भी लूप के क्वेश्चन थे, जितने भी इफ के क्वेश्चन थे, नॉर्मल सारे आप बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चारों में से अब आपकी मर्जी है, अगर आपने समझ लिया तो, और अगर नहीं समझ पाए इस चीज को जो मैंने अभी समझाया, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी चीज को जो है वो दो बार तीन बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं कोडिंग सेक्शन पे चलता हूं, मैं कहता हूं क्या ऑड इवन चेक करो कि कोई नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, फंक्शन के थ्रू हम डेफ लिखते हैं, डेफ के बाद क्या देते हैं, ऑड इफ फंक्शन का नाम देते हैं, और ऑब्वियस ही बात है हमारे पास वो एक नंबर हमें यहाँ पे चाहिए जिस नंबर को हमें चेक करना है हमारा, जैसे मैंने बताया था ना कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो यूजर से हम यहाँ किसकी भी इनपुट लेंगे, ऑब्वियस ही बात है एक इनपुट लेंगे ना, ठीक है, तो जो ये ए हमने यहाँ पे डाला है यही तो वो नंबर है जिसे हमें चेक करना है, इवन या ऑड है, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि ए मॉडुलस 2 जो है अगर 0 है तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि ये इवन है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहां चले जाएंगे, एस में चले जाएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे कि नंबर जो है वो क्या है, ऑड है, दैट्स इट, खत्म, ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको कॉल कर लेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, तो यहां से शुरू होता है मेरा कौन सा सेक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन। तो हमारे मेन सेक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इस ए की इनपुट लेनी पड़ेगी, तो बस हम वही करेंगे ए इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट और व्हाट एंटर नंबर टू चेक फॉर ऑड और इवन, यानी वो नंबर दीजिए जो ऑड और इवन के लिए आप चेक करना चाहते हैं, यहां से हम ऑड इव फंक्शन को क्या कर देंगे, बस कॉल कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑड इव फंक्शन कॉल हो जाएगा और क्या पास हो जाएगा, ए पास हो जाएगा, तो यहां पे मान लीजिए यूजर ने ए में जो है वो 10 दिया, ये 10 जो है वो यहां से यहां गया, डेफिनेशन यहां गया, चेक किया 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, आएगा तो इवन प्रिंट कर देगा, और यहीं से क्योंकि एल्स में तो जाएगा नहीं, यही से वापस लौट आएगा, आगे कुछ है नहीं है, प्रोग्राम टर्मिनेट। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि रिवर्स का प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, तो ये देखिए सारे प्रैक्टिसेस हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, डेफ और यहाँ पे आर ई भी, मतलब आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, रिवर्स का प्रोग्राम लिखते हैं आपके पास, मान लीजिए जो है यहाँ पे आप कहेंगे आप सर सिर्फ ए क्यों मानते हैं, आप आई मान लीजिए, कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, तो मान लीजिए मैंने आई मान लिया, अब उसके बाद मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ रिवर्स इक्वल टू जीरो
देन वाइल आई इज ग्रेटर देन क्या जीरो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस I modulus 10 and then I equal to I divide by 10 और यहाँ पे जो भी value reverse में है हम यहाँ क्या print कर देंगे print reverse equal to what comma rev और ये मेरा function खत्म। अब मुझे ये function call करना पड़ेगा तो यहाँ से मेरा कौन सा section शुरू होगा underscore main section शुरू होगा ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इस I की value चाहिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या I equal to int input एंटर नंबर टू फाइंड रिवर्स यानी वो नंबर दीजिए जो आप क्या करना चाहते हैं फाइंड करना चाहते हैं रिवर्स और तब मैं ये रिवर्स फंक्शन कॉल कर दूंगा और किसको पास कर दूंगा आई को पास कर दूंगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ अपने डेफिनेशन पे आया और इस आई में जो भी वैल्यू थी वो इस आई में चली गई और अब क्या हुआ यहाँ से रिवर्स कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगा। जब रिवर्स प्रिंट हो जाएगा वापस लौट के यहीं पे आएगा जहां से कॉल किया गया था। आगे कुछ है नहीं आगे कुछ नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ये था अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इवन आप जो लिस्ट के प्रोग्राम्स को भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। लिस्ट भी आप बिल्कुल वैसे ही पास करेंगे जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि लिस्ट के जो है आप मान लो कि लिस्ट को पास कीजिए और जो है उसका सम निकालिए तो वो भी प्रोग्राम आप बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेफ और मैं यहाँ देता हूँ क्या लिस्ट एड यानी कि लिस्ट को आप क्या करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं और यहाँ हमारे पास ए नाम का लिस्ट आ रहा है राइट। तो मैं यहाँ लूप क्या लगा दूंगा एक सम नाम का वेरिएबल लूंगा जीरो पे सेट करूंगा। देखिए अब मैं लॉजिक नहीं समझा रहा आपको ठीक है क्यों क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको क्या करना है लॉजिक पे मास्टरी अलग करनी है ये बस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सम हो गया ठीक है फॉर आई इन ए यानी इस लिस्ट में एक एक एलिमेंट आई पे जाएगा और सम होते चला जाएगा और इस लूप से बाहर निकल के क्या प्रिंट कर देगा प्रिंट सम ऑफ लिस्ट इक्वल टू व्हाट किसकी वैल्यू सम की वैल्यू दैट्स इट। ये हो गया फंक्शन। अब इसे ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं कॉल तो होगा नहीं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मेन सेक्शन में आके इस ए नाम के लिस्ट को बनाना पड़ेगा। अब ये ए नाम का लिस्ट आप यूजर डिफाइंड बना लीजिए या अपनी मर्जी से। तो मान लीजिए मैं जगह बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए अपनी मर्जी से बना लेता हूँ 5, 10, 15 और 20 ठीक है मेरा लिस्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगा लिस्ट एड फंक्शन को कॉल करूंगा और किसको पास कर दूंगा ए को पास कर दूंगा। तो भाई ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ यहाँ पे आया ये ए यहीं पे आ गया। अब क्या हुआ मतलब इस ए की कॉपी जो है वो यहाँ पे आ गई राइट। तो अब क्या हुआ सम जीरो पे हो गया फॉर आई इन ए हो गया सम हो गया और क्या हो गया वैल्यूज प्रिंट होके वापस जो है वो वहीं पे लौटा जहां पे क्या करना जहां से हमने उसको कॉल किया था और अब आगे कोई स्टेटमेंट चुकी है ही नहीं तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया। तो ये है लिस्ट के प्रोग्राम से आप कैसे फंक्शन थ्रू बनाएंगे। ध्यान रखिए कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आर्गुमेंट आप पास जरूर कीजिए यही है कॉन्सेप्ट फंक्शंस का। अब फंक्शंस में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं चलिए उनको कवर करते हैं पहले मुझे इस बोर्ड को रब करने दीजिए। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट यानी कि जो हमारा पैरामीटर है वो बहुत तरह का होता है नेमिंग बहुत तरह की दी गई है। जैसे सबसे पहला जो आर्गुमेंट दिया गया है वो कहलाता है पोजिशनल आर्गुमेंट राइट POSITIONAL पोजिशनल व्हाट आर्ग्यूमेंट ठीक है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अभी तक जिस जो तरीका हम यूज कर रहे थे आर्ग्यूमेंट को पास करने का वो तरीका जो है क्या कहलाता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का तरीका कहलाता है यानी कि जो भी वे हम अभी तक पढ़ रहे थे वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था। जैसे मान लीजिए हम ऐड कहीं प्रोग्राम फिर से आपके लिए लिख देते हैं डेफ प्रोग्राम का नाम ऐड यहाँ पे ए और बी है यहाँ पे हम क्या करते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं और यहाँ प्रिंट कर देते हैं क्या एडिशन इक्वल टू व्हाट सी राइट। ये एडिशन का प्रोग्राम है विद आर्गुमेंट के साथ अभी हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। अब आता है कौन सा सेक्शन हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन शुरू होगा ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये फंक्शन का पार्ट है और अब जो पार्ट है वो मेन का पार्ट है और इस पार्ट में हम क्या करते हैं इस ए और बी की एंट्री लेते हैं यूजर से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इंट इन ब्रैकेट क्या इनपुट देन एंटर फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर दीजिए ठीक है। उसके बाद बी इक्वल टू फिर से वही बी इक्वल टू हम बी से बी की इनपुट लेंगे तो बी की इनपुट कैसे लेंगे तो बी इक्वल टू इंट देन ब्रैकेट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड नंबर दीजिए है ना। और उसके बाद क्या करेंगे अब इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं तो ऐड फंक्शन कॉल करेंगे ए और बी को क्या करेंगे पास करेंगे। तो देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट क्या कहता है पोजिशनल आर्गुमेंट ये कहता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फर्स्ट आर्गुमेंट जो पास करते हैं
तो जो आपका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के पास ही जाता है, मतलब ये वाला जो ए आपने यहां से पास किया है वो यहां जाएगा, क्योंकि यहां से ये एक नंबर पे है तो यहां पे भी ये एक नंबर वाले के ही पास जाएगा, यहां पे ये दो नंबर वाले के पास है तो यहां पे भी ये क्या होगा दो नंबर वाले के पास ही जाएगा, मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट वाले के पास जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट सेकेंड वाले के पास जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, राइट। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, जो ये कहता है कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के पास जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के पास जाएगी, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। सेकंड जो कहलाता है वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। देखिए जो कॉन्सेप्ट कीवर्ड आर्गुमेंट का है वो ये कहता है कि जब आप बाय नेम, जैसे यहाँ पे आपने ए है ना, यहाँ पे आपने बी भेजा है ना, ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ दो मिनट के लिए इसको कर देता हूँ एक्स और वाई, तो मैं अगर यहाँ पे एक्स और वाई पास करूंगा, जो नॉर्मल मेरा कॉन्सेप्ट होता है एक्स और वाई पास करने का, तो जब मैं यहाँ से एक्स और वाई को पास करूंगा तो एक्स ए में जाएगा वाई बी में जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू ए में चली जाएगी वाई की वैल्यू बी में चली जाएगी, राइट। दिस इज पोजिशनल। कीवर्ड क्या कहता है कि मान लीजिए मैं चाहता हूं क्या कि एक्स जो है वो बी में जाए और मैं चाहता हूँ वाई जो है वो ए में जाए, उल्टा पुल्टा, यानी कि मैं जिसके लिए वैल्यू भेजना चाहूं वही वैल्यू जाए, तो उसके लिए जो है हम कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे दैट कॉन्सेप्ट विल बी व्हाट, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा कीवर्ड आर्गुमेंट का हम यहां क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या कि बी इक्वल टू एक्स कॉमा ए इक्वल टू वाई, मतलब मैंने क्या कहा कि बी के लिए एक्स भेज दो, तो बी के लिए एक्स भेज दो, तो मतलब बी यहाँ पे ये है ना, यानी एक्स जो जाएगी वो इस बार किसमें जाएगी, इसमें जाएगी, यानी कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू आप फर्स्ट में आपने लिखा यहाँ पे, लेकिन वो जा कहाँ रही है यहाँ पे सेकंड वाले में, और जो यहाँ पे आप कहते हैं ए इक्वल टू वाई, मतलब ए के लिए क्या पास कर दो वाई, तो यहाँ पे आप ए के लिए वाई पास कर रहे हो, मतलब उल्टा, देखो ये फर्स्ट वाली सेकंड वाले में गई, सेकंड वाली यहाँ पे फर्स्ट वाले में चली गई, तो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप जो नाम यहाँ पे यूज कर रहे हो उस नाम के साथ आप बता देते हो कि किस कौन सी वैल्यू पास कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप यहाँ सिर्फ लिखते एक्स और कॉमा सिर्फ लिखते यहाँ वाई, तो क्या होता, फर्स्ट वाला में जाता, सेकंड वाला में जाता, तो वो बन जाता पोजिशनल आर्गुमेंट। लेकिन जब आपने यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज किए हैं उस वेरिएबल्स का नाम लेके आपने दे दिया कि बी में एक्स भेज दो और ए में वाई भेज दो, तो ये क्या बन गया, कीवर्ड आर्गुमेंट्स बन गए, राइट। अब थर्ड और लास्ट जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होता क्या है, देखिए उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूं और अपने मन से वैल्यूज को पास करूंगा। देखिए होता क्या है, पहले समझ लीजिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मान लीजिए मैंने डेफ और एड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कर दिया, तो ये जो मैंने सी इक्वल टू 10 किया ना, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो फंक्शन कॉल किया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, मैंने कर दिया डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहाँ कर दिया क्या प्रिंट, किसको, डी को, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल करते समय दो वैल्यूज यानी ये और ये पास तो करना मैंडेटरी है, लेकिन ये जो है अब हो जाएगा आपका ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसको पास कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको पास नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस एड फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए 5, 10 और 15 पास किया, राइट, तो ऑब्वियस बात है जब मैंने नाम देके नहीं बताया तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के पास जाएगा, तो इस केस में ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो इस 10 का क्या होगा, इस 10 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट देते हैं और लेकिन कॉल करते समय, फंक्शन को कॉल करते समय उसके लिए भी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू उस वक्त काम नहीं करती है। तो डिफॉल्ट वैल्यू कब काम करती है, तो जब, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये तीनों था, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 10, 5, 15, 15, 30 आंसर 30 प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं फिर से इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ एड को, और अब पास करता हूँ 5, 10, दो वैल्यू ही पास करता हूँ, तो क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के पास चली जाएगी, तो ए में कितना चला आएगा, ए में आ जाएगा 5, राइट। सेकेंड वाली वैल्यू बी के पास चली जाएगी, तो बी में कितना आ जाएगा 10, लेकिन सी के लिए तो हमने वैल्यू पास ही नहीं किया, तो सी के लिए अगर हमने वैल्यू पास नहीं किया तो यहाँ पे इसलिए नहीं पास किया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया हुआ है।
अगर मैं यहां पे c इक्वल टू 10 नहीं लिखता तो ये कॉलिंग जो थी फंक्शन की गलत थी, बोलता क्या कि थर्ड के लिए आपने वैल्यू पास ही नहीं किया है। लेकिन ये सही कब हो जाएगा, जब हम इसको यहां पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे अपनी मर्जी से। तो डिफॉल्ट वैल्यू देने का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि इस आर्गुमेंट को हम ऑप्शनल बना रहे हैं। यहां से अगर जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करते समय उसके लिए अगर हमने वैल्यू पास कर दिया तो वही वैल्यू लेगा ये जो पास हो रहा है। लेकिन कॉल करते समय अगर हमने उसके लिए वैल्यू पास नहीं किया तो 5 तो चला गया ए में, 10 चला गया बी में, सी में जो है कोई वैल्यू आपने भेजा नहीं, ऑटोमेटिकली सी जो है वो क्या ले लेगा, 10 ले लेगा, जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने डिफॉल्ट में 100 डाला था तो ये क्या ले लेगा, मान लीजिए 50 डाला था तो यहाँ पे ये 50 ले लेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू का यही काम होता है, डिफॉल्ट वैल्यू उस समय यूज होता है जब आप कॉल करते समय जो है उसकी वैल्यू पास नहीं करते हैं। जैसे ही आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं वो वैल्यू ऑप्शनल बन जाती है, फंक्शन को कॉल करते समय उसके लिए आप वैल्यू दे भी सकते हैं, उसके लिए आप वैल्यू नहीं भी दे सकते हैं। अगर वैल्यू दे दिया तो जो वैल्यू देंगे उससे इनिशियलाइज होगा, अगर नहीं दिया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। यही होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक रूल भी होता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का रूल बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने किया डेफ एड ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखी है। फिर आप सेम वैसे लिखते हैं डेफ एड ए ए इक्वल टू 5 कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10। अब देखिए कितने भी आर्गुमेंट आप डिफॉल्ट दे सकते हैं, सबको भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने सबको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया, जैसे मान लीजिए, अब पहले मैं एक चीज बता दूं पहले, अब यहां देखिए क्या ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो माना है हमने सही है, नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने एक बार डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना शुरू कर दिया तो उसके बाद के सब में आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो सी में तो यहां आपने दिया है लेकिन बी में नहीं दिया है, तो ये इस तरीके का आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कोड नहीं लिख सकते हैं। वैसे जैसे मान लीजिए कहते हैं डेफ एड ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6 सी इक्वल टू 7, सही है ये? बिल्कुल सही है। ए बी सी तीनों में आपने दे दिया तो एक बार आपने स्टार्ट किया तो उसके बाद राइट में, उसके राइट में सारे के सारे के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट होने चाहिए, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, परफेक्ट। तो वही मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए कुछ हम ऐसा लिखते हैं डेफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू, रूल तो आपको समझ में आ गया, मान लीजिए लिखता हूँ ए इक्वल टू 5 कॉमा बी इक्वल टू 6 कॉमा सी इक्वल टू 7, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहां मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, डी को, यानी कि सम को। अब इस फंक्शन को हम बहुत तरीके से कॉल कर सकते हैं, कैसे? तो ये मेरा मेन सेक्शन हो गया अंडरस्कोर मेन सेक्शन, है ना। अब मैं चाहूं तो इसको सिंपली ऐसे ही कॉल कर सकता हूं, कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा। जब मैं इस तरीके से कॉल करूंगा फर्स्ट तरीके से, तो फर्स्ट तरीके से क्या होगा, ए में अपने आप 5 चला जाएगा, बी में अपने आप 6 चला जाएगा, सी में 7 चला जाएगा। क्यों? जब कोई वैल्यू नहीं पास किया तो यहाँ पे सारा का सारा वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लेगा, और उसको जो भी था 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं चाहूं तो इसी को ऐड एक वैल्यू के साथ भी कॉल कर सकता हूं 10, तो ये जो 10 पास किया वो एक ही पास किया तो फर्स्ट वाले के पास जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी जो हम पास कर रहे हैं, लेकिन बी और सी के लिए वैल्यू नहीं आया है तो बी 6 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तीसरा, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कॉल कर सकता हूं ऐड फंक्शन 10, 20। अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट 2 वैल्यूज पास किए हैं तो फर्स्ट 10 ए में चला जाएगा, सेकंड 20 बी में चला जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सी के लिए हमने वैल्यू पास नहीं किया तो ये 7 हो जाएगा। एक और तरीके से इसको कॉल कर सकता हूं, ऐड फंक्शन कॉल करते हैं 1, 2, 3 पास करते हैं, ठीक है। तो अब इस फोर्थ केस में क्या होगा, ए में क्या आएगा 1 आएगा, बी में क्या आएगा 2 आएगा, और सी में क्या आएगा 3 आएगा। इसका मतलब हमने जब तीनों वैल्यू पास किए तो वो तीनों वैल्यू ही यहां पे आए, जो हमने डिफॉल्ट में दिया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट के टाइप होते हैं, तीनों को हमने बारी बारी से 1 by 1 पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमारे इस पूरे इस पाइथन के वन शॉट वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा कि व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल
वेरिएबल्स। तो ये बस 10 मिनट का है, 10 मिनट में आपको सारा कॉन्सेप्ट लोकल और ग्लोबल का सेट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं डेट लिखता हूं डेफ और फंक्शन के नाम में देता हूं एड और ए और बी देता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं कहता हूं क्या सी इक्वल टू ए प्लस बी, मैं यहां क्या करता हूं प्रिंट एडिशन इक्वल टू सी, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपने बहुत अच्छे से जो है वो डेफिनेशन सारा मतलब फंक्शन का काम कर लिया। तो ये एक फंक्शन आपने लिख लिया, अब इस फंक्शन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन है, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बी इक्वल टू, चलिए मैं एक और ए हटा देता हूं, मैं यहां एक्स लिखता हूं, मैं यहां वाई लिखता हूं, वाई इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, यानी कि क्या दे दीजिए सेकेंड नंबर दे दीजिए, ठीक है। और फिर मैं इस एड फंक्शन को कॉल करके एक्स और वाई को क्या करता हूं पास कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है, जो भी वेरिएबल आप मेन के अंदर बनाते हैं, जैसे आपने यहां एक्स बनाया और वाई बनाया, तो यहां एक्स और वाई जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे इस एक्स वाई को आप मेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर भी चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब ग्लोबली, राइट, हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। इस एक्स और वाई को आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा लोकल वेरिएबल का है। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आप किसी फंक्शन के अंदर मानते हैं, उसकी लिमिटेशन सिर्फ उस फंक्शन तक ही होती है, उस फंक्शन के बाहर उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो जैसे देखिए मैंने कहा था ना कि यहां से x पास करेंगे तो ये a में जाएगा, तो a नाम का वेरिएबल बनेगा तब तो a में जाएगा, b नाम का वेरिएबल बनेगा तब तो b में जाएगा, और यहां पे c भी आपने बनाया तो यहां c भी बनेगा। तो इस फंक्शन के अंदर ये तीन वेरिएबल्स a b और c बने, तो ये फंक्शन के अंदर बने, एड फंक्शन के अंदर, तो इनकी कैपेसिटी एड के अंदर ही होगी, इसके बाहर इनकी कोई कैपेसिटी नहीं होगी। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे यहां पे, लोकल वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब अगर मैं आपको एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वो क्या क्लैरिटी है समझिए, मान लीजिए मैं कोई भी डेफ डेमो डेमो नाम से एक फंक्शन लिखता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ए इक्वल टू 5 और मैं यहां कर देता हूं प्रिंट ए को, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूं अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन, ठीक है, एम ए आई एन। इसमें मैंने कॉल कर दिया किसको, डेमो को। तो देखिए इस केस में लोकल वेरिएबल बनेगा या ग्लोबल वेरिएबल बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन के अंदर बना है ए, तो ए एक लोकल वेरिएबल है। ए इज व्हाट, ए इज अ लोकल वेरिएबल, और जब ये एक लोकल वेरिएबल है तो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट ए कीजिएगा, ठीक है, ए इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा ये यहां जाएगा, एक ए नाम का वेरिएबल बना जो लोकल वेरिएबल होगा जिसमें 5 चला जाएगा, उसको प्रिंट कीजिए। जब यहां से प्रिंट करके वापस वहीं पे आएगा, अब अगर इस ए को आप यहां प्रिंट कीजिएगा तो क्या होगा, तो अगर इस ए को अगर आप इस मेन सेक्शन के अंदर प्रिंट करते हैं तो ये होगा एरर। क्यों, क्योंकि इस ए का ये जो ए जो है वो एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल की कैपेसिटी सिर्फ उसी फंक्शन तक होती है जिस फंक्शन के अंदर उसको क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ये पहली चीज हो गई, ये एरर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस a इक्वल टू 5 को हटाता हूं और इस a इक्वल टू 5 को मैं ले आता हूं यहां पे, ठीक है। मैं कहता हूं क्या a इक्वल टू 5 और मैं यहां प्रिंट a करता हूं, और उसके बाद मैं कहता हूं क्या फंक्शन को कॉल करता हूं, डेमो नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं। तो ये जो a बनेगा यहां पे, जो मेन सेक्शन के अंदर जो a बनता है, वो a जो होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, इसीलिए इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो a में जो है मान लीजिए आपने क्या डाला है 5, तो इसी के अंदर आप यूज कर रहे हैं, a को प्रिंट कर रहे हैं तो 5 प्रिंट कर देगा, परफेक्ट। अब यहां से जब आप डेमो फंक्शन कॉल करते हैं, यहां जाता है और यहां ये a को प्रिंट कर रहा है, तो क्या ये एरर देगा, नहीं, ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो आपका a है ये इस बार जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी यूज हो सकते हैं, इवन डेमो के अंदर भी।
तो प्रिंट ए जब यहाँ पे आएगा तो पांच एक बार और प्रिंट हो जाएगा, मतलब दो बार प्रिंट हो जाएगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ये फर्क होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। लोकल सिर्फ अपने फंक्शन तक ही आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाहर अगर आप उसको यूज करते हैं तो एरर दे देगा, जबकि ग्लोबल जहां पे भी आप चाहें वहां पे डाल सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो क्या एक यही जगह है जहां हम ग्लोबल बना सकते हैं? जी नहीं, एक और जगह होती है सब फंक्शन के ठीक सबसे ऊपर, यानी कि जहां फंक्शन स्टार्ट हुआ सबसे टॉप पे भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे है मेरा डेफ और डेमो, ठीक है, ये प्रिंट ए। अब मान लीजिए यहां देते हैं क्या x इक्वल टू 10, तो ये देखिए x इक्वल टू 10 भी जो है वो किसी का पार्ट नहीं है, ना ही मेन का पार्ट है ना ही इस डेमो का पार्ट है, फिर भी ये x जो होगा वो क्या होगा, एक ग्लोबल होगा। यानी x इक्वल टू 10 भी अब एक ग्लोबल हो गया है और a इक्वल टू 5 भी क्या हो गया, एक ग्लोबल हो गया है। तो मतलब ग्लोबल वेरिएबल को कहां कहां मान सकते हैं, तो एक टॉप में सबसे डिक्लेयर कर सकते हैं या मेन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस x को आप यहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं, तो जब आप यहां प्रिंट x कीजिएगा तो x भी प्रिंट हो जाएगा, यहां पे भी प्रिंट x कीजिएगा तो x भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब इस x को आपने मेन में भी यूज कर लिया, इस x को आपने डेमो में भी यूज कर लिया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो आप ग्लोबल वेरिएबल के साथ मानते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर दो जगह किया जा सकता है, एक मेन सेक्शन के अंदर भी और एक किसमें आपको सबसे टॉप प्रोग्राम के सबसे टॉप में भी, जितने चाहें उतने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, जैसे वो क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं कहता हूं क्या डेफ डेमो, राइट। अब इसमें मैं क्या कहता हूं ए इक्वल टू 5 और मैं कर देता हूं प्रिंट ए, राइट। ध्यान से देखिएगा, ओके, ये लोकल है, लोकल ए बना और इस लोकल ए में 5 चला गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन स्टार्ट करता हूं, यहां पे मैं सेम नेम का वेरिएबल देता हूं ए इक्वल टू 10। तो याद रखिएगा अब एक ग्लोबल ए भी बना और ग्लोबल ए भी कितना चला गया, 10 चला गया। अब यहां से आप प्रिंट करते हैं किसको, ए को, ठीक है, और फिर यहां से कॉल करते हैं डेमो को। तो अब ये क्या देगा रिप्लाई, आउटपुट क्या आएगा, तो ए इक्वल टू 10 ये पहला लाइन है, ग्लोबल ए बना 10 चला गया, प्रिंट ए आउटपुट में क्या हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा, डेमो फंक्शन ऊपर गया ए इक्वल टू 5। याद रखिएगा अगर आपने किसी एक फंक्शन के अंदर फिर से दोबारा वेरिएबल बनाया तो इसी नाम से ऑलरेडी, इस नाम से तो ऑलरेडी ग्लोबल बन चुका है लेकिन इसी नाम से एक लोकल भी बन जाएगा, और चूंकि लोकल के अंदर है तो ए जब ये सर्च करेगा तो पहले ये अपने अंदर सर्च करेगा कि क्या मेरे अंदर ये नाम का वेरिएबल है, हाँ जी है, तो वो पहले अपने अंदर वाले को ही ले लेगा, ग्लोबल तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम नेम का वेरिएबल ग्लोबल भी है, सेम नेम का वेरिएबल लोकल भी है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उस लोकल के अंदर उस वेरिएबल को यूज कीजिएगा तो उस लोकल के अंदर जो वैल्यू आपने दिया था वो वही वैल्यू लेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन पहले अपने अंदर चेक करता है, उसके बाद अगर वो वेरिएबल उसको वहां नहीं मिलता, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस a इक्वल टू 5 को नहीं लिखा होता तो यहाँ पे इसको मिलता ही नहीं मेरे अंदर, तो यहाँ ही नहीं, तो उस केस में ये 10 प्रिंट करता, 5 प्रिंट नहीं करता। लेकिन उसको अगर उसके अंदर चीज मिल गई कि भैया ठीक है ये तो मेरे को अपने अंदर ही मिल गई, तो वो ग्लोबल के पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम नेम के फंक्शन, सेम नेम का जब वेरिएबल बनता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि फंक्शन के अंदर जब भी यूज होगा वो वही यूज होगा जो लोकली डिफाइन किया गया था, न कि ग्लोबली डिफाइन किया गया था, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, मान लीजिए इसी प्रोग्राम में अगर मैं यहां कहूं कि एक और फंक्शन था डेफ एक्स वाई जेड नाम से फंक्शन था, यहां पर मैं कहता हूं क्या ए इक्वल टू 15 और मैं यहां करता हूं प्रिंट ए, ठीक है, और फिर यहां पे अब क्या शुरू होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन सेक्शन शुरू होगा, ठीक है। यहां पे मैं ए इक्वल टू 100 कर देता हूं, अब देखिए पहला लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, तो जैसे ही पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा ग्लोबल ए बनेगा, ठीक है, ग्लोबल ए बनते ही ये कितना चला जाएगा, इसमें 100 चला जाएगा, और जब आप प्रिंट करेंगे ए को तो ऑब्वियसली बात है अभी ग्लोबल सेक्शन चल रहा है ना, मेन वाला सेक्शन ग्लोबल सेक्शन होता है, तो 100 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में कितना आ गया 100। अब इसके बाद जब आप डेमो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहां जाएगा,
इसके अंदर एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें फाइल, तो ये लोकल ए बनेगा जो इसके अंदर है, डेमो के अंदर है, तो इस डेमो के अंदर जो ए है वो बन गया फाइव और यहाँ फाइव प्रिंट होगा, तो अब आउटपुट क्या आएगा, फाइव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चूंकि लोकली डिफाइन था, आगे बढ़ा ही नहीं ग्लोबल के पास। और फिर से जब आप एक्स वाई जेड कॉल करेंगे, अब ये यहां जाएगा, फिर एक और लोकल बना, उस एक लोकल में क्या है, 15 है। अब इस ए की कैपेसिटी सिर्फ इस एक्स वाई जेड फंक्शन तक की है, तो जब यहां प्रिंट किया इसने, तो सबसे पहले एक्स वाई जेड के अंदर देखेगा ए है, हाँ है, तो ये अब ये प्रिंट होगा वो ये वाला प्रिंट होगा, यानी कि 15 प्रिंट होगा। यही कॉन्सेप्ट होता है अगर आपको सेम नेम का वेरिएबल लोकली भी है और ग्लोबली भी है। तो ये था एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो फॉर पाइथन फंक्शंस, एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।